धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, बारिश करवा कर सृष्टि की प्यास बुझाई, डेरा सच्चा सौदा सरसा से सत ब्रह्मचारी सेवादार पाल सिंह जी, कुल मालिक परम पिता जी के एक प्रत्यक्ष अलौकिक खेल का इस तरह बयान करता है। सन 1972 के जुलाई महीने की घटना है। उस दिन सुबह से ही मौसम इतना सख्त गर्म था कि सवेरे 7 बजे से ही बाहर धूप की तरफ देखा नहीं जाता था। उस दिन इतनी सख्त गर्मी पड़ रही थी कि ना तो पंखे के नीचे आराम मिलता था तथा ना ही किसी छायादार वृक्ष के नीचे चैन आता था। सुबह से हवा का नाम निशान भी नहीं था। ऐसा जी चाहता था कि कपड़ों समेत पानी में ही बैठे रहें। कुल मालिक सतगुरु जी जीवों को अपने नूरी दर्शनों से संतुष्ट करने के लिए प्रतिदिन सुबह 7:30-8 बजे बाहर आया करते थे। करीब घंटा भर साध संगत में बैठकर उन्हें शब्दों व अपने पवित्र वचनों से खुशियां प्रदान करते थे, परंतु उस दिन उपरोक्त समय से करीब 1 घंटा पहले ही तेरावास से बाहर आ गए तथा रोजाना की तरह बाग में व सेवादारों के पास से होते हुए उन्हें अपने दर्शनों से निहाल करते हुए रोजाना वाले स्थान पर बड़े नीमों की छाया में आकर बैठ गए। संगत अभी इकट्ठी नहीं हुई थी क्योंकि संगत अपने रोजाना के निश्चित समय के अनुसार ही पहुंचती थी। परम पिताजी के पास उस समय 2-4 सत ब्रह्मचारी सेवादार तथा संगत के 10-20 प्रेमी ही मौजूद थे। प्रतिदिन की तरह 1-1.5 घंटा बैठने की बजाय उस दिन शहनशाह जी 15-20 मिनटों में ही वहां से उठकर वापस तेरावास में चले गए। कुल मालिक के राज को समझना आम जीव के लिए अति असंभव है। निश्चित समय पर संगत जब दरबार में आई तो उन्हें पता चला कि परम पिताजी तो दर्शन देकर वापस चले गए हैं, तो वे पछताने लगे कि यदि उन्हें परम पिताजी के आने का पता चल जाता तो वे पहले ही आ जाते। अपने मालिक के दर्शनों के बगैर उनका वापस जाने को दिल नहीं करता था। तेरावास में जाने के करीब 1 घंटे बाद मेहरबान दातार परम पिताजी अचानक ही फिर से बाहर आ गए। उस समय पूज्य सतगुरु जी के एक हाथ में लाठी तथा दूसरे हाथ में खुली हुई नीले रंग की छतरी थी। शहनशाह जी, सत ब्रह्मचारी सेवादार मिस्त्री सुरजीत सिंह व एक और सत ब्रह्मचारी सेवादार को इशारा करते हुए लकड़ी की सीढ़ी के द्वारा बड़े हाल की छत पर चढ़ गए। हाल की छत में हुई मोरियों तथा छेदों को स्वयं ही अपनी लाठी रख रख कर कपड़ों से बंद करवाया। कुल मालिक सतगुरु जी के उस अद्भुत खेल को दरबार में मौजूद सभी जीवों ने अपनी आंखों से देखा। हमें यह समझने में कोई देर नहीं लगी कि आज अवश्य ही बारिश आएगी, क्योंकि इतनी गर्मी में पूजा शहनशाह जी का हाल की छत पर चढ़ने का तो यही उद्देश्य हो सकता है। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि शाह मस्ताना जी बलोचिस्तानी दरबार के पुराने हाल की छत सीमेंट की चादरों से बनी हुई है। उनमें कई स्थानों पर मोरियां हो गई थी जिनमें से बारिश का पानी नीचे हाल में गिरता था। परम पिताजी जब यह सब कुछ करवा रहे थे तो उस समय बहुत सख्त धूप थी। ना तो कहीं हवा का निशान था और ना ही कहीं दूर दूर तक कोई बादल ही दिखाई देता था। शहनशाह जी ने हाल की छत पर खड़े होकर दूर दूर तक चारों तरफ अपनी पावन दृष्टि डालते व मुस्कुराते हुए फरमाया, हरियाली तो कहीं नज़र नहीं आती, रब तो यूं ही हो गया है जैसे पंजाब में नौजवान लड़के नशे की गोलियां खाकर नशे में नशेड़ी हुए फिरते हैं। इसे तो यह भी पता नहीं कि कौन सी ऋतु कब लगानी है। महीना तो अब सावन का है और इसने रुत बना रखी है ज्येष्ठ अषाढ़ की। पिछला सारा वर्ष बीत गया है, इसने वर्षा की एक बूंद भी नहीं दिखाई। जीव जंतु त्राही त्राही कर रहे हैं हाल से नीचे चलकर, आज हम इसे स्पेशल बारिश करवाएंगे। हालांकि परम पिताजी स्वयं ही सर्वसमर्थ्या सर्वशक्तिमान और स्वयं ही कुल मालिक खुद करता है, परंतु फिर भी शहनशाह जी ने अपने आप को छिपाते हुए किसी अन्य रब से बारिश करवाने का वचन फरमाया। मैं यह बात
पूरे दावे से कहता हूँ कि उस समय पूरी सख्त गर्मी तथा धूप भी इतनी कड़ाके की थी कि सुबह 9-10 बजे का समय उस वक्त दोपहर के 1.5-2 बजे के समान प्रतीत होता था। कहीं किसी तरफ भी दूर तक सफ़ेद बादल का नामो निशान तक नहीं था। उस दिन बारिश का होना तो दूर की बात थी, उसके बारे सोचना भी आश्चर्यजनक था। पानी की कमी तथा गर्मी से व्याकुल सभी जीव जंतु आदि अत्यंत घबराए हुए थे और अपनी अपनी मूक भाषा में खुदा रब, परमात्मा, ईश्वर आदि कहकर अपने मालिक से वर्षा की कामना करते हुए प्रार्थना कर रहे थे। कुल मालिक अति दयालु दातार जी ने उनकी पुकार को सुन लिया, अर्थात कुल मालिक को अपने जीव प्राणियों पर तरस आ गया, जिससे मालिक सच्चे पातशाह जी ने वर्षा करवाने के लिए वह सब कुछ पहले ही कर दिया। हाल की छत का सारा काम पूरा करवाकर शहनशाह जी उसी सीढ़ी के रास्ते से नीचे उतरकर अपने तेरावास में चले गए। उसके थोड़ी देर बाद ही तेरावास की पिछली तरफ से एक छोटा सा बादल उठा। यह नहीं कहा जा सकता कि वह किधर से आया था, क्योंकि केवल आधा घंटा पहले तो बहुत दूर दूर तक किसी भी रंग के बादल का निशान आसमान पर मौजूद नहीं था। उस छोटे से बादल यानी बादली से मोटी मोटी बूंदों से वर्षा होने लगी तथा धीरे धीरे पूरा जोर पकड़ गई। जिन प्रेमी जीवों ने मालिक सच्चे पातशाह जी की अपार मेहर का वह दृश्य अपनी आँखों से देखा है, उन्होंने तो कुल मालिक की कृपा से बहुत आनंद प्राप्त किया होगा। यह बात बिल्कुल सही है कि मेहरबान सतगुरु जी ने तेरावास के बरामदे वाली खिड़की खोलकर दरबार के 7 ब्रह्मचारियों को भी बारिश में नहाने का हुक्म फरमाया। उस वक्त पूज्य शहनशाह जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न थे और स्वयं भी बारिश में स्नान कर रहे थे। शहनशाह जी ने खिड़की में से हुक्म फरमाया, भाई आज तुम सभी बारिश में नहाकर अपनी गर्मी समाप्त कर लो, हम भी बारिश में नहा रहे हैं। आज हमने स्पेशल बरसात करवाई है। उस वक्त क्या मनोरम दृश्य था, वह सत्संगी प्रेमी स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हैं। वह तो निरोल कुल मालिक की अपार रहमत थी, जो वर्षा के रूप में शहनशाह जी ने पृथ्वी के जीव प्राणियों के लिए स्पेशल बरसाई थी, जिससे पृथ्वी का हर जीव प्राणी अपार खुशी में मस्त होकर दो जहानों के मालिक खुद खुदा का हार्दिक धन्यवाद कर रहा था। वर्ष भर के सूखे से व्याकुल हुए सभी जीव प्राणियों ने सुख व शांति की सांस ली और कुल मालिक का लाख लाख शुक्राना किया। शहनशाह जी की वह स्पेशल बारिश लगभग घंटा भर पूरे जोरों से होती रही। चारों तरफ दूर दूर तक पानी ही पानी दिखाई देने लगा। तब चारों तरफ ठंडक तथा पृथ्वी की मीठी मीठी महक से मन आत्मा मस्ती में झूम उठे। यह तो कुल मालिक परम पिता जी का धरती के तमाम जीव प्राणियों पर पारोपकार तथा रहमत की एक छोटी सी मिसाल है। सतगुरु शहनशाह जी तो दोनों जहानों में अपने जीव की सच्ची मदद करते हैं, चाहे वह इस संसार में रहता है और चाहे अपनी देह छोड़कर ऊपर रूहानी मंडलों पर चला जाता है। सतगुरु जी का हाथ हमेशा अपने जीव के सिर पर रहता है। पावर प्रदान करके काम लिया, यह घटना सन 1972 की है। उस समय मैं डेरा सच्चा सौदा में 7 ब्रह्मचारी सेवादार के रूप में सेवा करता था। दरबार में बेरियों के बगीचे की तरफ एक बड़ा आम का वृक्ष था, जिसे जड़ से उखाड़ कर 6-6, 7-7 फुट के टुकड़ों में बांट दिया और प्रति एक टुकड़ा 3-4 मन से लेकर 5-6 मन तक भारी था। वहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली या रेडी ले जाने का कोई रास्ता नहीं था, यानी कि केवल सिर पर ढोने के सिवाय और दूसरा साधन नहीं था। दरबार के प्रबंधक तक इस बात से चिंतित थे कि इतने भारी टुकड़े वहाँ से कैसे उठाए जाएं। मैंने धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा नारा लगाया और आगे होकर कहा, मेरे सिर पर रख दो। वह एक एक करके सब टुकड़ों को निश्चित स्थान पर उठा कर रख आएगा। जब वह टुकड़े मैं उठा रहा था तो परम पिता जी स्वयं भी वहां आ पहुंचे। उसमें से एक टुकड़ा
छह मण का था, जिसको परम पिताजी ने स्वयं अपना सहारा देकर ऊपर करवाया और दूसरे सात ब्रह्मचारियों ने मेरे ऊपर रख दिया। सतगुरु जी कुल मालिक ने फरमाया, भाई यह टुकड़ा बहुत भारी है। इसके साथ ही धीरा सिंह को फरमाया, भाई इसके साथ जाना, कहीं रास्ते में गिर जाए। मालिक बेपरवाजी की कृपया से मैं वह टुकड़ा निश्चित स्थान पर छोड़कर जब वापस शहंशाह जी के पास पहुंचा, तब परम पिता जी ने फरमाया, क्यों भाई कहां गिरा आए? सात ब्रह्मचारी सेवादार धीरा सिंह ने प्रार्थना की कि शहंशाह जी डिग्गी के पास ही गिरा कर आए हैं। इस पर मैंने प्रार्थना की कि परम पिता जी आपकी कृपया से मुझे उस भारी लकड़ का बिल्कुल भी भार महसूस नहीं हुआ और मैं बड़ी आसानी से उसे निश्चित स्थान पर गिरा कर आया हूँ। इसके कुछ दिन बाद दरबार में खेती के काम के लिए डीटी 28 ट्रैक्टर लाया गया। परम पिताजी उस ट्रैक्टर के पास गए और वचन किया, वाह भाई वाह, अब तो अपने पास दो डीटी 28 ट्रैक्टर हो गए हैं। संत सतगुरु के प्रति एक वचन में राज होता है। लक्ष्मण दास सत ब्रह्मचारी सेवादार ने प्रार्थना की कि दूसरा ट्रैक्टर तो पिताजी अपने पास ऐश्वर है। उनके पास खड़े प्रेमी रामजीत सिंह मानसा ने प्रार्थना की कि दूसरे डीटी 28 के भी उनको दर्शन करवा दो। तो इस बात पर शहंशाह परम पिताजी ने मेरी तरफ इशारा करते हुए वचन फरमाया, वो देखो खड़ा जगदेव सिंह मलकाना, भाई ये है हमारा दूसरा डीटी 28। साथ में यह वचन भी फरमाए, भाई समय पाकर पता चलेगा कि इसका नाम डीटी 28 कैसे रखा है। बस फिर क्या था, उसी दिन से परम पिताजी स्वयं और सारी साध संगत मुझे डीटी 28 के नाम से पुकारने लगी। कुल मालिक सतगुरु जी अपनी मेहर से जीव को पर्वत से राई और राई से पर्वत करते देर भी नहीं लगाते। आगे तो जीव के अपने विश्वास, भरोसे, प्रेम और श्रद्धा की बात रह जाती है। जो जीव कुल मालिक परम पिताजी पर पूर्ण भरोसा व विश्वास करके एक बार भी उन्हें पुकारता है, तो कुल मालिक सच्चे पातशाह जी स्वयं उपस्थित होकर उसके सारे कार्य आप ही करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।